हाय गाइस, दिस इज अमर एंड वेलकम टू अमर टेक स्टफ। गाइस, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे बीजीपी चैप्टर नंबर 9, दैट इज बीजीपी मैसेजेस। इस वीडियो में मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ बीजीपी मैसेजेस पे, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपको बीजीपी मैसेजेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तभी आपको बीजीपी नेबर स्टेट्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और इन दोनों टॉपिक्स पे अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जब भी आप बीजीपी नेबरशिप की ट्रबल शूटिंग करोगे, तभी आप खुद को बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बीजीपी नेबरशिप ट्रबल शूटिंग करना। तो बीजीपी मैसेजेस, बीजीपी राउटर्स, ये चार मैसेजेस यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने को, नेबरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए और राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। तो ये चार मैसेजेस है, ओपन, अपडेट, कीप अलाइव और नोटिफिकेशन। तो चलिए इन चारों मैसेजेस को वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले ओपन मैसेज। गाइस, आप ये अवेयर होंगे कि बीजीपी टीसीपी यूज़ करता है, टीसीपी पोर्ट नंबर 179 यूज़ करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म बीजीपी नेबरशिप। सो जब भी आप, चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें राउटर R1 है, एक बीजीपी स्पीकर, दैट इज बीजीपी राउटर, और एक R2 है, दूसरा बीजीपी राउटर या दूसरा बीजीपी स्पीकर। तो इन दोनों के बीच में जब भी टीसीपी सेशन फॉर्म होगा और इन दोनों को जब भी बीजीपी नेबरशिप फॉर्म करनी होगी, तो ये एक दूसरे को ओपन मैसेजेस सेंड करेंगे। ठीक है, ये ओपन मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्मिंग बीजीपी नेबरशिप। इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो एक क्राइटेरियाज के साथ तरह भी काम करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म बीजीपी नेबरशिप। ठीक है, तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स, वर्जन, ASN, होल्ड टाइमर, बीजीपी आइडेंटिफायर और मेनी ऑप्शनल पैरामीटर्स। वर्जन होता है, जैसे बीजीपी का वर्जन है ये सिंपल, तो जब भी R1 R2 को ओपन मैसेज सेंड करेगा तो उसमें अपना वर्जन, बीजीपी का वर्जन सेंड करेगा। जब भी R2 भी R1 को ओपन मैसेज सेंड करेगा तो उसमें वर्जन नंबर होगा, बीजीपी का वर्जन नंबर होगा। तो फिलहाल जो वर्जन नंबर चल रहा है बीजीपी का, वो है वर्जन 4। अगर ये वर्जन नंबर मैच नहीं हुआ तो जो भी लोअर वर्जन नंबर होगा उस पर नेगोशिएट हो जाता है और बीजीपी नेबरशिप को अप आने के लिए, बीजीपी नेबरशिप फॉर्म होने के लिए वर्जन नंबर मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर R1 पे के पास जो बीजीपी है वो है बीजीपी वर्जन 4 और R2 के पास जो बीजीपी वर्जन है वो है बीजीपी वर्जन 3, तो ये बीजीपी वर्जन जो है दोनों के बीच में वर्जन 3 पे नेगोशिएट हो जाएगा। बट करंटली आप जितने भी राउटर्स पे आप देख लो, या बीजीपी वर्जन जो है वो 4 ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद ASN है ऑटोनोमस सिस्टम। तो जब भी R1 R2 को ओपन मैसेज सेंड करेगा तो अपना खुद का AS नंबर भी की इन्फॉर्मेशन भी सेंड करेगा। सिमिलरली R2 भी R1 को अपने ऑटोनोमस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन इस ओपन मैसेज में सेंड करेगी। होल्ड टाइमर, होल्ड टाइमर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कीप अलाइव मैसेज के बारे में बता देता हूँ। जैसे R1 और R2, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कुछ कीप अलाइव मैसेजेस सेंड करेंगे एक स्पेसिफिक इंटरवल पे। ये कीप अलाइव मैसेजेस ये एक दूसरे को ये बताने के लिए सेंड करते हैं कि दे आर लाइव एंड द पीयर शुड बी अप। तो ये कीप अलाइव मैसेजेस बीजीपी में हर 60 सेकंड में एक कीप अलाइव मैसेज सेंड होता है। सो बाय डिफॉल्ट बीजीपी में कीप अलाइव टाइमर जो होता है वो होता है 60 सेकंड्स। ठीक है, और इसके 3 टाइम्स, दैट इज 180 सेकंड्स, विच इज 3 मिनट्स, ये होता है होल्ड टाइम। ये जो होल्ड टाइम होता है, ये होल्ड टाइम, ये जो 180 सेकंड्स होल्ड टाइम है, ये होल्ड टाइम होता है जब तक बीजीपी नेबर्स की पियरिंग वो बीजीपी राउटर होल्ड करता है। अगर 180 सेकंड्स तक बीजीपी राउटर के पास पियर से कोई भी कीप अलाइव मैसेज या अपडेट मैसेज नहीं आया, तो 180 सेकंड्स के बाद वो होल्ड टाइम एक्सपायर हो जाता है और बीजीपी नेबरशिप ब्रेक हो जाती है, बीजीपी नेबरशिप डाउन हो जाती है, वो नेबर को डेड करके डिक्लेयर कर देता है। ठीक है,
सो बाय डिफॉल्ट होल्ड टाइम होता है 180 सेकेंड्स, और कीप अलाइव टाइम बीजेपी में होता है बाय डिफॉल्ट 60 सेकेंड्स। सो गाइज डू रिमेंबर दिस, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। बीजेपी आइडेंटिफायर, तो ओपन मैसेज में बीजेपी आइडेंटिफायर की इन्फॉर्मेशन भी जाती है। हमने पहले भी एक चैप्टर में देखा था कि बीजेपी आइडेंटिफायर क्या होता है, राउटर आईडी क्या होता है बीजेपी का। तो यही है बीजेपी आइडेंटिफायर, दैट इज़ द हाईएस्ट लूपबैक आईपी एड्रेस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द राउटर। और अगर वो लूपबैक एड्रेस नहीं कॉन्फिगर्ड है उस पर्टिकुलर राउटर पे, तो वो होता है हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ एन एक्टिव फिजिकल इंटरफेस। तो हमने ये डेडिकेटेड एक वीडियो देखा था, मैं उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे पेस्ट कर दूंगा, अगर आपको बीजेपी आइडेंटिफायर के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसके साथ होता है मेनी ऑप्शनल पैरामीटर्स। ये बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स भी होते हैं बीजेपी में जो ये ओपन मैसेज में जाते हैं। अगर हम लोग कुछ फीचर्स यूज़ कर रहे हैं बीजेपी में, जैसे एमपी बीजेपी या राउटर फ्रेश जैसे कुछ फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शनल पैरामीटर्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती हैं। अपडेट मैसेज, सो गाइस अपडेट मैसेज में एक्चुअल राउट की इन्फॉर्मेशन अपडेट मैसेज में जाती है। जैसे एक ये राउटर है R1 और R2, ठीक है। अगर R1 R2 को कुछ एक नेटवर्क एडवर्टाइज़ कर रहा है, समझ लीजिए कुछ 100 का नेटवर्क एडवर्टाइज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना गाइस, ये R1 R2 को जो भेजेगा ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट मैसेज में जाती है। ये NLRI जो देख रहे हैं, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ये है वो BGP प्रीफिक्स इन्फॉर्मेशन जो एक BGP राउटर दूसरे BGP राउटर को सेंड करता है, ठीक है। अगर ये समझ लो ये राउट को मैंने रिमूव कर दिया नेटवर्क R1 से, ये राउट को मैंने BGP में जाके रिमूव कर दिया, तो ये जो विड्रॉ किया मैंने राउट जो एडवर्टाइज हो रहा था R1 से R2 की तरफ, तो मैंने एक बार विड्रॉ कर दिया, तो ये विड्रॉल का जो विड्रॉल के जो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी अपडेट मैसेज में जाएगी। साथ ही में इस अपडेट मैसेज में पाथ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर राउट में R1 से R2 की तरफ एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो इसके रिलेटेड जितने भी पाथ एट्रीब्यूट्स हैं, पाथ एट्रीब्यूट्स विच इंक्लूड्स ओरिजिन, AS पाथ, नेक्स्ट हॉप, MED, जितने भी पाथ एट्रीब्यूट्स हैं जो एक पाथ सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स पाथ एट्रीब्यूट्स इस पर्टिकुलर मैसेज में जाएंगे, दैट इज अपडेट मैसेज में जाएंगे। आगे है कीप अलाइव मैसेज। गाइज हमने कीप अलाइव मैसेज के बारे में देखा, वेरीफाई करने के लिए बीजेपी स्पीकर्स एक दूसरे को वेरीफाई करने के लिए वेदर देयर लाइव और नॉट, ये वेरीफाई करने के लिए एक दूसरे को सेंड करते हैं, दैट आर कीप अलाइव मैसेजेस। गाइज ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने कहा आपको कीप अलाइव टाइमर का, विच इज 60 सेकेंड, इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑलवेज कीप, डू रिमेंबर दिस टाइम्स। नोटिफिकेशन मैसेजेस, सो वेन एवर गाइज देखोगे आपके राउटर्स पे, तो अब ये समझ लाओ कि बीजेपी में कुछ बीजेपी नेबरशिप में कुछ आपका डाउन तो चला गया, या फिर कुछ मिसकन्फिग्रेशन हुआ है। जब भी हम ट्रबल शूटिंग की वीडियोस देखेंगे आगे, तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन मैसेजेस ज़रूर दिखाऊंगा कि नोटिफिकेशन मैसेज एग्जैक्टली होते क्या। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि नोटिफिकेशन मैसेज आया व्हेन समथिंग बैड हैज हैपेंड, सम इशू विद मिसकन्फिग्रेशन और द पीयर इज गॉन डाउन। तो गाइस इस वीडियो में मैं इतना ही दिखाना चाहता था, इस शॉर्ट वीडियो में, कि बीजेपी के मैसेजेस क्या होते हैं। तो बिकॉज बीजेपी के मैसेजेस समझना, अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में जब हम बीजेपी के स्टेट्स पढ़ेंगे, तब हम इस सारे मैसेजेस के बारे में और भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। गाइस ये वीडियोज़ जो बीजेपी में मैं फ़िलहाल बना रहा हूँ, ये वीडियोज़ मैं हिंदी में बना रहा हूँ, बिकॉज मुझको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा ह्यूज टॉपिक है, तो इसको मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, और वो भी हिंदी में बना रहा हूँ, ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। तो गाइज प्लीज़ अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर करिए। अमर टेक स्टफ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं हमेशा ही वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ, और आपके कमेंट्स और आप अगर शेयर करेंगे तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है, जिससे मैं और भी वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा। तो गाइस फिलहाल मैं इस वीडियो में इधर ही रुक रहा हूँ, मिलते हैं अगले चैप्टर में, दैट इज़ बीजेपी नेबर स्टेट्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।